नमस्कार सभी भाई बंधुओं, था कि राकेश चतुर्वेदी उत्तराखंड को सादर प्रणाम। उत्तराखंड में पॉली हाउस का कार्य पूरा होने पर आज छोटी सी वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये पॉली हाउस लग गया है जो खेत हमने बनाया था। थोड़ी जगह कम पड़ गई थी, फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करके पॉली हाउस फिट करवा दिया है। और उन्होंने बड़े कसमकस से पॉली हाउस को फिट किया है। ये पॉली हाउस के अंदर 10 मीटर बाय 20 मीटर की जगह तैयार हुई है। बाहर की तरफ एक छोटी सी 500 लीटर की टंकी लग गई है और ये उन्होंने अंदर क्यारियों के लिए पाइप छोड़ दिए हैं। अब इसकी सफाई होनी है। अब यहाँ पे क्यारियाँ बनेंगी और यहाँ पे सब्जियों की पौध लगेगी। कुछ पौध अंदर छोड़ देंगे डेली यूज़ के लिए और कुछ बाहर पौध खेतों में लगाएंगे, जिससे कि सब्जियों का कार्य आगे कुशलतापूर्वक हो सके। इसके बाद साइड पे हम लोगों ने ये जियो का टैंक बनाया है। जियो टैंक अपना ये 12,500 लीटर का टैंक है। नीचे चैम्बर बनाया, उसके ऊपर ये रेडीमेड तरीके से जियो का टैंक फिट कर दिया है और ये 12,500 लीटर पानी इसमें स्टोर हो सकता है। इसको हम नीचे पॉली हाउस में और खेतों में पानी जो ज़रूरत है उसको ये टैंक पूरा करेगा। और उत्तराखंड में छोटी छोटी एक्टिविटियाँ हो पाएंगी। इसके बाद ही हमने अपने जो घर था, 2 कमरों का सेट था, बगल में टॉयलेट थी, इसमें हमने ये टीन सेट डलवाया है जाल लगा के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैपट, शेर वगैरह, बाघ, लैपट का बड़ा खतरा है। और दो हमारे प्यारे जैक और कोको, ये देखें, ये यहाँ पे हैं। इनको दिल्ली से गांव छोड़ दिया था, अब ये यहाँ की चौकीदारी करेंगे। अभी इनको बांध के रखते हैं क्योंकि कुछ काम चल रहा है तो लोगों को डर रहता है कहीं काट ना दें, डरते हैं लोग, तो इनको चारों तरफ ये बंद करवा दिया है जाल लगा के, ऊपर साइड लगा के। और बस इसको अब आगे देखते हैं। इसमें नीचे ग्रोटिंग करानी है, नीचे पॉली हाउस, साइड पे जियो टैंक, और ये घर का कार्य चल रहा है। फिर शेयर करेंगे आपके साथ। जय उत्तराखंड, जय भारत।